हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल मेरा भी चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है आपके तरह एंड मैं भी इसी तरह से वीडियो ढूंढ रहा था बट हर जगह मैंने देखा कि प्रोसेस लंबा है ना तो सेगमेंट्स में वीडियो थे तो मैंने इसलिए सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें पूरा प्रोसेस क्लियर है करके एंड शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो यूट्यूब मॉनिटाइजेशन के लिए आपको चार चीज़ें कम्प्लीट करनी है वन सब्सक्राइबर्स फोर पब्लिक वॉच आर्ट टू स्टेप वेरिफिकेशन एंड लास्टली आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए अप्लाई नाव पे क्लिक करने के बाद आपको ये तीन स्टेप्स दिखेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ फर्स्ट स्टेप है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है आपको स्वाइप डाउन करना है एंड यहाँ पे दो आपको ना बॉक्सेस दिखेंगे वहाँ पे आपको टिक करना है मैं एकदम शॉर्ट एंड सिंपल जा रहा हूँ सो दैट अब इजीली ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट कर पाऊँ नाउ लेट्स गेट बैक टू इट अभी आपको एक्सेप्ट टर्म्स क्लिक करना है अब हम लोग आते हैं हमारा सेकंड स्टेप पे जो कि है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा क्या आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट है या नहीं जैसे कि मेरे पास नहीं है तो मैंने नो no पे क्लिक किया एंड हम लोग आगे जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो अब डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे जो गूगल एडसेंस के वेबसाइट पर यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है जो जी अकाउंट यूट्यूब अकाउंट से लिंक्ड है वही जी अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है सो so, जैसे आप लॉग इन करोगे आपको यहाँ पे चार चीज़ें देखिए फर्स्ट है कि आपको यूट्यूब का चैनल सेकंड मैं आज से पूछ रहा है कि क्या आपको हेल्प एंड परफॉर्मेंस के लिए आपको सजेशन चाहिए तो वहाँ पे आपको येस करना है एंड देन थर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको कंट्री एंड फोर्थ आपको बस आपको टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा. फर्स्टली आपको है ना कस्टमर में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपका नेम एंड जो एड्रेस है नेम में आपको अपने चैनल का नाम डालना है एंड आपको एड्रेस एंड नंबर फिल करना है एंड दैट सेट यूट्यूब अब आपके चैनल को रिव्यू करेगा एंड चेक करेगा कि ये उनकी यूट्यूब मोनिटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करता है कि नहीं करता अगर फॉलो करता है एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो आपको मेल आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो चैनल है उसको एक्सेप्ट कर दिया गया है और जैसे आप अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करोगे तो आपको ऐसे एक इमेज दिखेगा जहाँ पर लिया हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेषन आपका चैनल एक्सेप्ट हो चुका है एंड आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है अब आपको एक पेज दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है टर्न ऑन एड्स इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे बंच ऑफ एड्स टाइप आएंगे जहाँ पे ना आपको सेलेक्ट करना है आपको कैसे कैसे टाइप के आपको एड्स चाहिए आपके चैनल पे उसके बाद आपको ना यूट्यूब पूछ रहा है कि आपको आपके जो भी एग्जिस्टिंग वीडियोस है उस पर आपको एड्स चाहिए या फिर आपको चूज करना है वहाँ पे आपको ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग वीडियोस पर भी क्लिक करना है सो so दैट आपको जो पहले के वीडियोस हैं उन पे भी आपको बेनिफिट मिल पाए अब आपको गूगल एडसन के अकाउंट में लॉग इन करना है एंड जैसे आप लॉग इन कर दोगे यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी आगे आपको कंटिन्यू कर अब गूगल एड्सन आपको पूछ रहा है क्या आपका कोई साइट है क्या एंड सेकंड वो आपको बोल रहा है कि क्या आपको हेल्प एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड सजेशन चाहिए क्या टैक्स इन्फो ये पूरे प्रोसेस का सबसे लेंदीएस्ट पार्ट है हम लोग इसको सिंपल वे में क्लियर करते हैं यहाँ पे फर्स्टली आपको तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या टाइप का अकाउंट है विशाल प्रकाश जन यहाँ पे आपका चैनल का नाम नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे आपका नाम दिखा हुआ है यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको पूछा जा रहा है क्या आप यूनाइटेड स्टेट के रेसिडेंट हो तो आपको नो no पे क्लिक करना अगर आप नहीं हो तो थर्ड आपको सिलेक्ट करना है टैक्स फॉर्म टाइप यहाँ पे दो टाइप के टैक्स फॉर्म है फर्स्ट है नॉन यू एस इंडिविजुअल का और सेकेंड है नॉन यू एस बिजनेस एंटिटी का तो जो फर्स्ट वन है डब्ल्यू बी बी ई एन उसमें आपको सेलेक्ट करना है आपने टैक्स फॉर्म टाइप सेलेक्ट कर दिया अब आपको फॉर्म फिल करना है हम लोग लाइन वाइज जाते हैं फर्स्ट है टैक्स आइडेंटिटी पहले आपको आपका पूरा नाम डालना है देन फिर आपको नीचे डी बी ए दिख रहा है उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए देन उसके नीचे आपको कंट्री दिख रहा है उसमें आपका आपको कंट्री सेलेक्ट करना है उसके नीचे फॉरेन टेन दिया हुआ है वहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड डालना है एंड उसके नीचे आपको यूएस टेन दिख रहा है वहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट कर दीजिए सेकेंड है आपका एड्रेस इसमें आपको अपने बेसिक डिटेल देना है जैसे आपको घर का एड्रेस हो गया फिर बाद में पिन कोड एंड एवरीथिंग हो गया बट लेकिन ऊपर एक चेक बॉक्स है वो क्लिक करना मत बोलना एंड उसके नीचे आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो ऊपर जो आपने ना एड्रेस दिया वो सेम आपका मेलिंग एड्रेस होने वाला है इफ़ येस देन चेक बॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए यू एंड इंडिया के टैक्सेस डिफरेंट है तो आपको इसके लिए ये यह यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर आपको ना इंडिया के हिसाब से चीज़ें सिलेक्ट करनी करके तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा आगे का थोड़ा सा जो वीडियो है करके वो आप कंप्लीटली एज जैसे मैंने किया है वैसे आप कॉपी कर लीजिए दैट विल बी द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन यू आपने टैक्स इन्फो अभी कंप्लीट कर दिया है अब यहाँ पे ना तीन चीज़ें होनी बाकी हैं फर्स्ट है वेरिफिकेशन सेकंड है, है आपको बैंक डिटेल भरनी है और थर्ड है एड्रेस वेरिफिकेशन होने वाला है पहले तो आपका ना टेन डॉलर एटलीस्ट रेवेन्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके बाद जाके आपको दो प्लेसेस है जैसे यूट्यूब स्टूडियो में अर्न में जाके आपको कंप्लीट इन एडसेंस में करना है या फिर डायरेक्टली आपको एडसेंस में जाना है और पेमेंट इन्फो पर पे क्लिक करके वहाँ पर वेरीफाई नाव वेरीफाई नाव जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे ना आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा आपको ना वेरिफिकेशन का कार्ड का देना करके जैसे है ना यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या था ड्राइविंग लाइसेंस था पासपोर्ट था पैन कार्ड था फिर वोटर कार्ड था करके तो मैंने यहाँ पे ना पैन कार्ड सेलेक्ट किया मैंने पैन कार्ड के जेपैक जो जे फाइल्स है वो यहाँ पे अपलोड किए अपलोड करने के बाद ना मतलब सिटी पिन कोड स्टेट ये मुझे पूरा वहाँ पे फिर से ना मुझे देना पड़ा आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा चेक किया जाएगा उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है करके उसके बाद उसके बाद आपको बैंक डिटेल ऐड करना है यहाँ पे एक बात याद रखना कि आपका एटलीस्ट टेन डॉलर होगा तब आपका ये बैंक डिटेल आप ऐड कर पाओगे एंड आपका जब हंड्रेड डॉलर होगा तब जाके आपको डायरेक्टली ये पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। अभी देखिए अब उन्होंने ना ऐड पेमेंट मेथड पर पे क्लिक किया यहाँ पर आपको ना आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसका आपको पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है स्विफ्ट बी करके यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे वॉट टू राइट करके तो हम लोगों ने डायरेक्टली गूगल कर दिया था कि हम लोग का बैंक और उसका जो है स्विफ्ट बी करके तो वहाँ पे कोड आ जाएगा बस आपको वो कोड ऐड करना है आपको अकाउंट डिटेल ऐड करनी है नीचे आपको है ना वो सिलेक्ट करना है करके सेट एज अ प्राइमरी पेमेंट अकाउंट करके मेथड एंड डायरेक्टली आपको सेव पे क्लिक करना है एंड आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है अब उसके बाद वो कुछ दिन रुकना होगा कुछ दिन रुकने के बाद ना आपको एक पोस्ट आएगा पोस्ट में आपको एक पिन आएगा एंड वो पिन आपको यहाँ पे फिर से ऐड करना है तब जाके आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेमेंट कब आने वाला है और कैसे वो डिले हो सकता है करके फर्स्ट चीज़ है यूट तो पेमेंट डिस्पोर्स करता है इक्कीस तारीख को ट्वेंटी ऑफ एवरी मंथ वो तभी डिस्पोर्स करता है ना आप तक तो वो पेमेंट पहुँचता है तीन से चार दिन में अगर समझिए बीच में अगर कोई हॉलीडे है या वीकेंड है तो फिर बाद में वो पेमेंट तभी नहीं आएगा वो पेमेंट आपको तीन दिन बाद आएगा थ्री टू फोर वर्किंग डेज में आपको वो पेमेंट आपके अकाउंट में डायरेक्टली आएगा आप चाहो तो सेम चूज पेमेंट मेथड तो पे क्लिक करके आप फिर से दूसरा कोई अकाउंट चूज कर सकते हो एंड उसको एज अ प्राइमरी अकाउंट भी बना सकते हो अगर आपके और कोई डाउट्स है यूट्यूब रिलेटेड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट बाय बाय